नज्म था और उनकी इस सादा सी शख्सियत के पीछे इल्म और फज्ल का एक गहरे बैकग्राउंड है। वो अरबी जुबान अदब हो, फारसी जुबान अदब हो, उर्दू जुबान अदब हो, वो अंग्रेजी जुबान अदब हो, आप इनके क्लासिक पर डॉक्टर साहब से गुफ्तगू कीजिए, आपको महसूस होगा कि जैसे उन्होंने सारी जिंदगी उसी मौजू पर गुजारी है जिस पर आप उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और वो गुफ्तगू महज तासुराती नहीं होगी, उसमें टेक्स्ट के हवाले होंगे। आप अंग्रेजी अदब पे बात कर रहे हैं तो वो आपको शेक्सपियर क्यों सुनाएंगे जैसे कोई आबे रवा हो। आप फारसी पे बात कर रहे हैं तो हाफिज और सादी, हानी, हाजू परमानी, ये सब उनके नौके जुबान आपको मालूम है। आप पंजाबी अदब पे बात कर रहे हैं तो ये बारिश शाह आप सुनाना शुरू करेंगे तो खत्म नहीं होगा। उर्दू अदब का तो कहना ही क्या। अदीब और शायर बहुत से होते हैं लेकिन डॉक्टर खुर्शीद रिज़वी साहब नहीं होते, और जिस अहद में वो होते हैं वो अहद खुशकिस्मत है। उस अहद के मुआसिरीन खुद को उनका मुआसिर समझते हैं लेकिन मुआसिर एक बड़ा एजाज होती है। बस डॉक्टर खुर्शीद रिज़वी साहब से हमारी मुआसरत अनवर मसूद के उस कतल की तरह है कि रावी का बयान है कि मेरे साहबों का पुल पर चूंटी कोई कहती थी किसी फीले रवा से बेहतर ना लरस जाता है ये लोहे का पुल भी जिस वक्त भी हम मिल के गुजरते हैं। तो हमारी और उनकी मुआसरत ऐसी ही। डॉक्टर साहब ने उर्दू अदब और अरबी अदब को जो कुछ दिया अभी शायद उसका एहसास इतना आम नहीं है। अभी आप उनकी एक ही किताब अरबी अदब कबल इस्लाम और हमारी उस किताब से वाकफियत का ये आलम है कि एक स्कॉलर ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब को जो खुर्शीद रिज़वी साहब ने किताब लिखी है वो कहाँ से मिलेगी, वो उर्दू अदब कबल इस्लाम वाली। तो इसमें बारह ये तो खूबी का पहलू है कि उर्दू अदब की उम्र बहुत बढ़ा ली गई है तो हमारी वाकफियत तो इतनी है। डॉक्टर साहब के उस्ताद गिरामी डॉक्टर सूफी जाम हक साहब की ख्वाहिश थी कि वो अरबी अदब की एक मखसूस तारीख है तो उन्होंने 10 जिल्दें लिखने का मनसूबा बनाया था जो वक्त के साथ तब्दील होता हुआ कुल जिल्दों की सूरत में हमारे सामने 700-700 सफ़े की 2 जिल्दें हैं। एक साथ थे मौलवी करीमुद्दीन, फोर्ट विलियम कॉलेज से उनका ताल्लुक था और फोर्ट विलियम कॉलेज के एक अंग्रेज वाबस्तगान में से एक साथ थे फैलन, तो उन दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी थी फरायदुद्दार। फरायदुद्दार यानी जमाने के बहुत मुनफरिद लोग, उसमें उन्होंने अरबी शायरी का उर्दू में एक तस्करा हमारे सामने पेश किया या फिर इस तरह की और दसी नौयत की बात किताबें कुछ हिंदुओं ने भी इसको काम किया जिनका हमारे यहाँ जिक्र नहीं होता। लेकिन जो किताब डॉक्टर खुर्शीद रिज़वी साहब ने लिखी है इसमें आपको तहकीक, तनकीद, हिफाजत मतन, तदवीन मतन और उसलूब बयान के तमाम कमालात यकजा दिखाई देते। सबा मुअल्लिकात पहली जिल्द में है और उसके बाद मुन्हकात और सबा मुअल्लिकात के बाद के शुआरा दूसरी जिल्द में आ गए हैं और जिस तरह 10 जिल्दों का ये मनसूबा था और 10 बरस एक जिल्द में लगे
से उन्होंने ये काम किया है, मैं उसका यानी शाहिद हूँ। मशरक को मगरब का कोई कुतुब खाना जिसमें उस किताब के मौजूद से मुतल्लिक कोई चीज हो उनकी दस्तरस से नहीं बचा। और बढ़ती हुई उम्र के साथ उन्होंने एक नौजवान मुहक्किक की तरह लाइब्रेरियों की खाक छानी और वो बरतानिया में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में हर उस जगह पर गए जहाँ उन्हें उस किताब से मुतल्लिक किसी भी मवाद का इम्कान दिखाई दिया। अच्छा, ये तो हमारे सामने की चीज है, उर्दू जुबान में है, हम सब उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। कुछ काम डॉक्टर साहब के ऐसे भी हैं कि जो अभी शायद हमारी तवज्जो नहीं पा सके। अलायदुर्रहमान जो उनका बहुत बड़ा काम है, जो तदवीन मतन का काम है, मैं तो ये समझता हूँ कि तदवीन मतन दरअसल उसलूब हयात का दूसरा नाम है। जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए ये इंसान तदवीन मतन से सीखता। तो डॉक्टर साहब ने तदवीन मतन का एक बेमिसाल नमूना अलायद जुमान की सूरत में पेश किया। इब्न शहाब जो सातवीं सदी का एक तस्करा निगार है, उसका ये मकतूता था जिसकी छठी जिल्द सबसे मुश्किल जिल्द थी। तो मुसल यूनिवर्सिटी इराक ने जब इसकी तदवीन का मंसूबा बनाया तो सबसे मुश्किल दिल डॉक्टर खुर्शीद रिज़वी साहब ने सपोर्ट की कि आप इसकी तदवीन कीजिए। डॉक्टर कासिम मुस्तफ़ा उस मंसूबे में इनके साथ शरीक थे। तो उस मतन की खानगी ही कायदारत की। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से उसे मुरतब किया, मुदफन किया, वो इन दुनिया के सामने है, अरबी में है, चल चुकी है और मैंने अरबों में उसकी कद्र देखी है। मैं मिस्र में रहा हूँ और दूसरे अरब ममालिक में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। जिस तरह मैंने उस किताब उस काम की कद्र अरबों में देखी है, यहाँ अहले पाकिस्तान को भी उसका अंदाजा नहीं। एक तो तदवीन मतन की अहमियत है कि मतन कितनी जिम्मेदारी, कितनी मेहनत, कितनी मोहब्बत और कितनी मुशक्कत के साथ अर्जित किया गया है। दूसरी उन इंकशाफात की अहमियत जो उस मतन की वजह से हुए और हमारे सामने आए। मिसाल के तौर पर हम अपने अरबी को जानते हैं, एक बुजुर्ग सूफी शख्सियत के तौर पर सभी लोग वाकिफ हैं, लेकिन हमें यह मालूम नहीं था कि इतने अरबी को बादशाह की फौज में सिपाही था। वो एक नौजवान सिपाही था जो बादशाह की सिक्योरिटी पर मामूर था। तो क्या हुआ कि वो सिपाही जो था वो आलम इस्लाम का इतना बड़ा सूफी बन गया, शेख अकबर कहलाने लगा। तो ये डॉक्टर साहब के तदवीनी और तहकीकी काम से पता चला कि अरबी की जिंदगी में ये इंकलाब कैसे आया कि वो बादशाह की हिफाजत पर मामूर था कि बादशाह जामिया उमिया दमिश्क में गया और बादशाह का क्या करोड़ पर था, क्या रोटो दबदबा था, ये तो आप आज के बादशाहों को देखने को अंदाजा हो जाता है, वो उस जमाने के बादशाह तो क्या कहने। तो जामिया उमिया में जब बादशाह गया तो वहां उसने अल्लाह के हुजूर सजदा तेज होकर गड़गड़ाना और रोना शुरू कर दिया। तो ये नौजवान सिपाही जिसकी उम्र 20 बरस थी, ये मंजर देखकर बड़ा हैरान हुआ कि जिसके आगे सब लोग कांपते हैं और जिसकी खुशनूदी के कदरदार होते हैं और जिसके इशारा या अबरू पर जान कुर्बान करने को तैयार होते हैं, वो तो खुद किसी के आगे सजदा रेज है, वो तो खुद किसी के आगे रो रहा है, वो तो खुद किसी से मिन्नत समाजत कर रहा है। तो फिर इसे छोड़कर उसी बादशाह की तरफ रुजू करना चाहिए जिसके आगे ये भी सरबसजूद होने पर मजबूर। ये लम्हा था जिसमें इतने अरबी उस नौजवान सिपाही से एक सूफी में तब्दील हो गए। ये बात डॉक्टर साहब की तहकीक से बहुत अहम बात है। इसी तरह अरबी का मशहूर तस्करा निगार इब्न खलकान है, जिस किताब वफायातुल आयान बहुत बड़ी किताब है जिसमें उसने मुख्तलिफ शख्सियात का तस्करा किया है। नाम से ही जाहिर है वफायातुल आयान उनकी वफात के बारे में बताता है। डॉक्टर साहब ने उसके दाखिली शहादतों से, उसके मतन की शहादतों से एक बात हमें बताई। देखिए, तहरीक में एक छोटा सा नुकता होता है लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है ये मुहक्किक ही बता सकता है।
तो उसके सारे मंत्र का जायजा लेने के बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि इतने कन्यादान की तबीयत का प्रश्न ये है कि वो हमारा बखूबी याद गर्दन के उसूल पर अमल कर, यानी उस गुरु मोहताज को दिखाए मरने वालों को चंद गुरु याद। अब जब ये रवैया एक सवाने निगार का होता है तो फिर आप उसकी सवाने निगारी से मारूजियत की तवक्को नहीं कर सकते, फिर आपको उसके बताए हुए हकायक, उसके बताए हुए वाकयात, उसकी बताई हुई तफसीलात को चेक करना होगा, फिर आपको तहकीक की निगाह से चीजों को जांचना होगा, क्योंकि कोई इंसान की कामी नहीं है। इसी तरह कसीदे शमसिया डॉक्टर साहब ने दरियाफ्त किया, मुरतब किया, शाय किया, और जमाने हाल में अभी जो दो काम डॉक्टर साहब ने किए हैं, एक सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने अंग्रेजी जुबान में एक किताब चल रही है मोहम्मद प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इस फॉर्म, और दूसरा काम जो अभी आपके सामने नहीं आया, उम्मीद है कि जल्द आ जाएगा, वो इमाम हुसैनी के कसीदा गुर्दा का मंजूम उर्दू तर्जुमा। इमाम हुसैनी से डॉक्टर साहब को बहुत पुराना ताल्लुक है, आपका एम ए का मकाला हुसैनी के मजार के बारे में था जिसे लोगों ने समझ लिया कि वो कायरा है, जब मैं कायरा के चप्पे चप्पे में फिरा हूं वहां नहीं है। हुसैनी का ताल्लुक इस्कंदरिया से था और वो इस्कंदरिया ही था, तो डॉक्टर साहब ने उसके कसीदा गुर्दा जो बहुत मशहूर कसीदा है और उसके बहुत तर्जुमे पहले हो चुके हैं, लेकिन आजाद नज्म में उसका अभी तक कोई तर्जुमा नहीं हुआ, तो डॉक्टर साहब ने उसका आजाद नज्म में तर्जुमा कर दिया है और वो मुकम्मल हो चुका है काम, और अब जेर इशा उसका नाम तर्जुमानुल गुर्दा रखा गया है। हमारी विफाकी शरीय अदालत ने रिबा पर जो फैसला किया था, सऊदी हुकूमत ने चाहा कि वो फैसला अरबी में तर्जुमा किया जाए, तो पाकिस्तान भर से डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब पर उनकी निगाहें इंतखाब फैली और डॉक्टर साहब से ये दरखास्त की गई सऊदी हुकूमत की तरफ से कि आप फेडरल सर्किट कोर्ट जजमेंट ऑन रिबा को अरबी में मुंतकिल कर दें, तो डॉक्टर साहब ने उसे अरबी में तर्जुमा किया। तो ये आपकी शख्सियत के पहलू हैं कि कोई शायद है, जैसे कि आपने भी उनकी शायरी के बारे में सुना और आप सब पहले मुअद्दब हैं, आप खुद भी जानते हैं, तो उनकी जो तहकीकात और उनके कमालात और उनकी दरियाफ्तें हैं वो दरअसल एक बड़ी तहकीक का मौजू है, और यकीनन डॉक्टर खुर्शीद रिजवी पर बहुत मकाले लिखे जाएंगे, बहुत तहकीक होगी, बहुत काम होगा, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उनकी शख्सियत और उनके कमालात अनफोल्ड होते चले जाएंगे। तो आसार वालों ने बहुत ही मुनासिब, बहुत ही उमदा, बहुत ही बजा और वक्त और दुरुस्त फैसला किया कि डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब को ये अवार्ड पेश किया जाए, वरना डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब का ये कहना कि गैर में हुई आम तेरी दौलत के दीदार, एक कोले बसर था कि लूटा बेबसरों, तो आसार वालों ने बाबसर होने का सबूत दिया उनकी इस बसीरत की दाद।